नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल विक्रम फिशरमैन पे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मछली पालन के दौरान पोटेशियम परमैंगनेट किस तरह से यूज करना है, जैसे कि मछली के बच्चे तालाब में छोड़ते समय उसे किस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट से सैनिटाइज करना है, मछलियों में बीमारी लगने पर या तालाब के पानी को साफ रखने के लिए कौन से तालाब में कितना पोटेशियम परमैंगनेट यूज करना है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, और आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि फिश फार्मिंग से रिलेटेड सभी तरह की इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नाम भी आप कह सकते हो, तो इसका केमिकल फॉर्मूला KMnO4 है। इसे फिश फार्मिंग में लाल दवाई के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखने में छोटे छोटे दाने की तरह क्रिस्टल फॉर्म में होता है और इसका कलर डार्क होता है। इसे पानी के साथ मिक्स करने पर पानी का कलर डार्क पिंक जैसा हो जाता है। अब मछली के बच्चे तालाब में छोड़ते समय उसको सैनिटाइज कैसे करें ताकि मछली को कोई इन्फेक्शन ना लगे। देखिए, जब आप मछली के बच्चे तालाब में छोड़ने वाले हो तब एक 10 से 15 लीटर की पानी से भरी एक बाल्टी या फिर कोई टब वगैरह ले लीजिए। फिर उसमें 5 से 7 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट डाल के अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर दें। फिर उसमें मछली के बच्चों को सैनिटाइज करने के लिए रखें सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा मछली के बच्चे हैं तो उसे आप थोड़ा थोड़ा करके सभी को 15 सेकंड्स तक एक ही बाल्टी में सैनिटाइज कर सकते हो। ज़्यादा देर तक रखने से मछलियाँ मर भी सकती हैं, इसलिए आप जब भी मछली के बच्चों को सैनिटाइज करोगे तब 15 सेकंड से ज़्यादा मछली के बच्चों को पोटेशियम परमैंगनेट में ना रखें। अब मछली को बीमारी लगने पर या तालाब का पानी खराब होने पर कौन से तालाब में कितना पोटेशियम परमैंगनेट यूज करना है। देखिए, जब हम अपनी मछली को खाना देते हैं तब कई बार क्या होता है कि खाना ज़्यादा मात्रा में देने से या तालाब का पानी चेंज ना करने से तालाब का पानी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो वैसे तालाब में मछली को बीमार करने वाले बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और पानी का पीएच लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो उससे मछली को कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, गिल सड़ना, आँखें सड़ना, शरीर के ऊपर लाल, उजला, नीला, काला घाव होना, पंख एवं पूंछ का सड़ जाना, पेट फूलना, शरीर के ऊपर अत्यधिक म्यूकस, लसीला पदार्थ का स्राव होना। तो वैसे तालाब में आप पोटेशियम परमैंगनेट यूज करके इन सभी बीमारियों से अपनी मछली को बचा सकते हो। तो अब बात आती है कि पोटेशियम परमैंगनेट कौन से तालाब में कितना यूज करें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा यानी कि कौन से साइज के तालाब में कितना पोटेशियम परमैंगनेट डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप अपने तालाब के साइज के हिसाब से कैलकुलेट कर देना। देखिए, जैसे मान लो कि आपका तालाब 1 बीघा का है, यानी कि अगर हम उसे स्क्वायर फुट के हिसाब से देखें तो लगभग वो तालाब 24 से 25 हज़ार स्क्वायर फुट का होगा, तो वो तालाब में पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा 1 kg की होगी। यानी कि 1,000 स्क्वायर फुट के हिसाब से देखें तो तालाब में पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा 25 ग्राम होगी। तो इस तरह आप अपने तालाब का साइज स्क्वायर फीट में जान के उसमें पोटेशियम परमैंगनेट 1,000 स्क्वायर फीट में 25 ग्राम है तो आप अपने तालाब के साइज के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर दो और जो अमाउंट आता है उतना आप अपने तालाब में डाल दो, और ये प्रक्रिया आपको हर महीने करनी है, चाहे वो फिर मछली में बीमारी लगी हो या ना हो, तालाब का पानी खराब हो या ना हो। पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करने से मछली में लगी बीमारी तो ठीक होती ही है, लेकिन वो तालाब के पानी को भी सैनिटाइज करता है,
और पानी का पीएच लेवल भी मेंटेन रखता है। अब थोड़ा इसके गलत इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ फिश फार्मर क्या करते हैं कि डर के मारे अपनी मछली में लगी बीमारी को जल्दी ठीक करने के चक्कर में अपने तालाब में हर हफ्ते पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं और ऐसे में उनको लाखों का नुकसान हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पोटेशियम परमैंगनेट का भी अपना एक टाइम पीरियड होता है मछलियों में लगी बीमारी और पानी को सैनिटाइज करने का। ऐसा नहीं है कि आपने आज पोटेशियम परमैंगनेट अपने तालाब में डाल दिया और 4-5 दिन में आपकी मछलियों में लगी बीमारी ठीक हो गई। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी इंसान को सर्दी बुखार है तो डॉक्टर उसे दवाई देता है, तो वो दवाई पीने से तुरंत 10 मिनट में आप ठीक तो नहीं हो जाओगे, आपको ठीक होने में 3-4 घंटा तो लगता है। ठीक उसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट का भी है। तो पोटेशियम परमैंगनेट आप अपने तालाब में यूज करोगे तो 30 से 40 दिन का गैप जरूर रखें। और पोटेशियम परमैंगनेट उसके डोजेस के हिसाब से ही यूज करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।